लाख रुपए का एक्सीडेंटल कम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस बेनिफिट हर अकाउंट में दिया है। वो हम इंडिया के पहले बैंक जिन्होंने हर खाते में दिया है। जैसा आप बताया कि वसूली नहीं हो पा रही है, तो किस तरह की बैंक का कार्य प्रभावित हो रहा है, किस तरह प्रभावित हो रहा है? देखिए, बैंक का वसूली नहीं होगी तो एक तो बैंक लॉस में जाएगा, दूसरा होगा जिन क्षेत्रों में हमारा ऋण नहीं लौट के आएगा तो हम दोबारा लोगों को ऋण नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी पूंजी उसमें लग जाएगी। तो इस तरीके से एक तो नए ऋण तो शायद ब्रांचेस हमारी वायबल नहीं होंगी और हम लोगों के लिए फाइनेंस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वो रिकवरी के लिए एफर्ट्स करेंगे। दूसरा ये देखा गया कि जो हमारा क्रेडिट ग्रोथ है वो भी मार्च में जो हमारा टोटल एडवांसेस पोर्टफोलियो था अभी उससे कम है, तो उसके लिए भी हमने उनसे ये कहा कि इसके मतलब रूट कॉज एनालिसिस हमको करना चाहिए कि क्यों क्रेडिट नहीं बढ़ रहा है जिले में। तो उसके लिए हमने ये कहा कि जो हमारी 15 बॉटम परफॉर्मिंग ब्रांचेज हैं वहाँ पर हम लोग हर सर्विस एरिया में एक ओपन कैंप करें जिसमें गांव के प्रधान भी हों, डेवलपमेंटल एजेंसीज के लोग हों, BDO हो, तहसीलदार हों, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लोग हों, एग्रीकल्चर के हों, हमारे बैंक के लोग हों, तो उसमें जो एलिजिबल बारोवर्स हैं उनको हम वही आइडेंटिफाई करें और उनको अगर स्पॉन्सर अप्लीकेशन होनी है किसी डिपार्टमेंट से छूट के लिए या किसी विशेष सुविधा के लिए तो वहाँ से हो जाए, नहीं तो हम लोग सीधे उन हितग्राहियों का चयन करके उनको एक निश्चित समय में ऋण सुविधा प्रदान कराएं, तो उससे हमारा क्रेडिट भी बढ़ेगा। और अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि क्रेडिट नहीं बढ़ सकता है तो हम अपने जो बजट्स हैं उनको उस तरीके से एलोकेट करें। ये भी हो सकता है कि एक गांव में सब लोगों को दे दिया गया तो वहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, तो अगर वो स्थिति है तो हम लोग उस तरीके से करें। और क्रेडिट तो हमको रूरल इंडिया में और MSME में इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो विकास के लक्ष्य हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक $5 trillion इकोनॉमी करनी है, या हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको 2024 तक $1 trillion की इकोनॉमी करनी है, तो हम ये देख रहे हैं शहरों में विकास का स्कोप जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, MSME हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जब तक इनको हम लोग विकास की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक हमारा पूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास जो हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का, वो होना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट हो रूरल इंडिया में, MSME में, इन जगहों पर भी हम लोग अपनी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाएं। तो यही बेसिक लिटिल मिलेनियम देश में सबसे तेजी से बढ़ते प्री स्कूल चयन में से एक है। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक बच्चे को विभिन्न खेल गतिविधियों के द्वारा व सामूहिक क्रियाकलापों द्वारा सही नींव रखने का कार्य किया जाता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, इस उद्देश्य से यह स्कूल बच्चों को खुश, सामाजिक और आत्मविश्वास से भरपूर बनाने में मदद करता है। बच्चों के प्रतिदिन पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न एक्टिविटी भी करवाई जाती है। यहाँ का पाठ्यक्रम 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है जिससे बच्चों का समग्र विकास हो। निदेशक अंजलि सिंघल, लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल, हमारा पता स्टेशन रोड, फिरोजाबाद।